हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक दोस्तों आज हम एक नई ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे दोस्तों आज हम डूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिसमें हम इसके वेब नेचर और पार्टिकल्स वाले नेचर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में आगे का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं सबसे पहले अर्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने प्रायोगिक तौर पर सिद्ध कर दिया था कि प्रकाश का डुबल प्रकृति होती है और यह तरंग और कण के रूप में होता है तो इसके बाद स्वभावतः द्रव्य के बारे में विचार किया जाने लगा और वहाँ पर सिद्ध करने के लिए द्रव्य के बारे में सोचने लगे तभी द्रव्य के बारे में विचार किया जाने लगा और इनका नेचर वैसे ही डुबल होना चाहिए तरंग और कण के रूप में होना चाहिए फिर इसी तरह आगे चलकर 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने अपने विचार प्रस्तुत किए और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट प्रायोगिक तौर पर सीधा एटॉमिक स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया और उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एटम के स्ट्रक्चर को देखा और उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन धीमी गति से गति करता है तो उसका द्रव्यमान और संवेग दोनों होता है और यह साधारणतः कण के रूप में व्यवहार करता है लेकिन जब यह प्रकाश के वेग के बराबर लगभग तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से गति करता है तो यह तरंग के रूप में व्यवहार करता है इसी तरह इलेक्ट्रॉन धीमी गति से गति करता है तो उसका अलग से एक प्रकार का लेंथ होता है किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन तेज गति से या प्रकाश के वेग से गति करता है तो इसका संवेग और इसका पोजिशन निर्धारण करना असंभव होता है इस पर हमने एक विशेष वीडियो बनाई है आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जाकर देख सकते हैं फिर इसी तरह आगे बढ़कर 1927 में डेविसन और जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में सिद्ध कर दिखाया और इस प्रकार उनका एक्सपेरिमेंट हुआ उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस प्रकार के टंगस्टन के फिल्म एंड कॉम्बैटरी के सारिश जोड़ दिया और इसे विद्युत विसर्जित कराया गया जिसमें से चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया और इसमें एक क्रिस्टलीय पदार्थ को रखा गया जो निकिल का होता है जब टंगस्टन के फिलामेंट में विद्युत विसर्जन कराया गया तो इससे एक प्रकार का पुंज निकला और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र से गुजर जाने के बाद सीधा निकल के क्रिस्टल से होकर गुजरा और इस प्रकार निकल के क्रिस्टल में उनके परमाणुओं में डिफ्रेक्शन और और इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच इंटरफेरेंस की घटना प्राप्त हुई जिसके अनुसार सीधे रखे हुए फोटोग्राफिक प्लेट पर कॉन्सेंट्रिंग रिंग के रूप में स्पॉट प्राप्त किया गया और इस प्रकार का घटना डुबल नेचर ऑफ मैटर के हिसाब से हुआ जिसमें निकिल का उपयोग किया गया था और इसी प्रकार निकिल के आगे परमाणुओं के उसके डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के कारण ही हुआ निकिल एलिमेंट के परमाणुओं में उसका डिफ्रेक्टेड और इंटरफेरेंस के कारण या इलेक्ट्रॉन पहुंच कई हिस्सों में बढ़ गया और इस प्रकार रिंग प्राप्त हुआ तो इस प्रकार फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंट से सिद्ध होता है कि पदार्थ भी ड्यूअल नेचर प्रकृति के होते हैं तो इस प्रकार फ्रेंड्स वीडियो में बस इतना ही आगे हम एक नए टॉपिक पर आपसे जल्द मुलाकात करेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए